नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में, या बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए सम की संख्या में, इवन नंबर में आप कोई भी फंदे ले सकते हैं। दो से कटने वाले संख्या में आप कितने भी फंदे ले सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और बनने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 30 स्टिचेस लिए हैं और 4 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है, और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लें, ये एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लें। उसके बाद दो फंदों को छोड़कर दूसरे और तीसरे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये एक और दो फंदों को छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे के बीच में ये जो खाली जगह है, यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, और फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, दो फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उसके बाद ऊन अपनी ओर करेंगे, और इन दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, फिर ऊन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे। अब फिर देखिए, दो फंदों को हम छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये हमने सिलाई के नीचे ही सिलाई डाला है। दूसरे और तीसरे के बीच में सिलाई के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे, और दो फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है, उन्हें उल्टा बुन लेंगे, अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा। फिर से देखिए, ये दो फंदों को हम छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे, और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, अब ऊन दूसरी ओर करेंगे, और दो फंदा सीधा। दो फंदों को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे के फंदे के बीच में हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये हमने किसी फंदे में नहीं डाला है, ये हमने दो फंदों के बीच में जो खाली स्पेस है, उसमें हमने सिलाई डाला है। उसके बाद एक लूप निकालेंगे, देखिए एक लूप निकाला, फिर उन अपनी ओर करेंगे, और इन दोनों फंदों को जिसके बाद हमने लूप निकाला है, उसे उल्टा बुन लेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे, देखिए, और एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदे सीधे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे, उन दूसरी ओर करेंगे, और तीनों फंदे सीधे बना लेंगे। अब
डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन, और उसके बाद ये दो फंदे, ये जो हमने लूप निकाला है उसे, जो हमने ये लूप निकाला है उसे और उसके पहले वाले फंदे को, दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर ये हमने जो लूप निकाला है उसे और उसके पहले वाले फंदे को, इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, ये हमारा लूप वाला फंदा है, ये लूप है और उसके पहले वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाए लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फंदा बढ़ा था वो वापस घट के कम हो गया, लेके दो का एक कर लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक करेंगे और लास्ट फंदा इसे उल्टा बना लेंगे। अब डिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से तीन फंदा सीधा बुनेंगे, ये पहला फंदा इसे स्लिप कर लेंगे और दो फंदे सीधे। अब इन दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा लूप जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे हम ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और इन दो फंदों को उल्टा बना लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और ये दो फंदे सीधे। दो फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को, जिसके बाद हमने ये लूप निकाला है, उन दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदे सीधे। अब देखिए, ये हम उन दो फंदों के बाद लूप निकाल रहे हैं जिसमें हमने पिछली बार सीधा बुना था, तो इन दो फंदों के बाद हम ऐसे सिलाई डालेंगे। पिछली बार हमने इन दो फंदों पे बनाया था, अब की बार ये दो फंदे जो है सीधे बुने जाएंगे और इस पे डिज़ाइन बनेगा, लूप निकाला जाएगा और वापस इन्हें उल्टा बुन लिया जाएगा। लूप निकाला, उन अपनी ओर किया, इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे और इस पे देखिए ये डिज़ाइन बना था। तो अब की इसमें अब की इस लाइन में ये दो फंदे सीधे बनाए जाएंगे और यहाँ पे जहाँ डिज़ाइन दो फंदों का जो गैप था यहाँ पे हम लूप निकालेंगे। देखिए डिज़ाइन वाले फंदे इसके ऊपर अब सीधा बुना जाएगा, तो फंदा सीधा। अब यहाँ पे जहाँ डिज़ाइन नहीं बना था अब कि यहाँ डिज़ाइन बनेगा, दो फंदे के बाद ऐसे सिलाई डालेंगे, लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे और इन दो फंदों पे डिज़ाइन बना था तो अब की ये दोनों फंदे सीधे बुने जाएंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा उल्टा। फिर ये देखिए, हम दो फंदे ये इकट्ठे हो गए हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे, ये लूप वाला फंदा है और लूप है और उसके पहले वाला फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर
दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, दो का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर तीन फंदा उल्टा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा। अब फिर चार लाइन बनाने के बाद पांचवा लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों के बाद ये सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। देखिए इसी पहली लाइन को हम रिपीट कर रहे हैं, और फिर दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे दो फंदा सीधा, फिर दो फंदे के बाद सिलाई डालेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और इन दोनों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। दो फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।